Start. Dear children, I hope that it is going very well, and we are reading. This is the information of the lecture, children. June 16, class 9th, and English Moments, the name of the book, and this is lecture number 2. And what we are reading, we are doing The Lost Child by Mulk Raz Anand. Right, everyone? This one we are already done. And this also we've done complete page. We are on this page, first, second, third. We are on the fourth paragraph, children. Fourth para. As you can see, a man stood holding a pole. What we read so far, children, we read that the child with his parents went to fair. वो fair में जाता है और fair में जाता है, then he sees so many things. वो काफी चीजें देखता है वहां पर. He looks at many things. उसको काफी चीजें वहां पर दिखाई देती हैं जिनको लेकर के वो काफी fascinate हो जाता है, मोहित हो जाता है. टू टेक, अभी तक जैसे हमने रीड आउट किया स्वीट मीट्स, जो मिठाई की दुकान थी, और फ्लावर सेलर, फ्लावर सेलर्स की हॉक, जो फेरी वाला था फ्लावर सेलर, वो वहां पर बैठा हुआ था. गार्लैंड थी उसके पास, जो माला थी गुलमोहर की. इन सब को लेकर के वो जो बच्चा था फैसिनेट हो जाता है, मोहित हो जाता है. राइट एवरीवन? सो दिस पैरा वी कंप्लीटेड. लेट्स गो टू नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल with yellow, red, green and purple blooms flying from it. Now what we find that a man, ek aadmi khada hua hai, uske paas ek pole hai with yellow, jahan par peele, lal, hare aur purple color ke jo hain balloons jo hai wahan par lage honge. Wo balloons jo hai wahan par dekh sakta hai, un balloons ko jo hai wo देखता है बेसिकली. और फ्लाइंग फ्रॉम इट, द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे. कैरिड अवे मींस लाइक चिल्ड्रन, उसको लेकर के वो थोड़ा मोहित हो जाता है, उसको लेकर के वो सोच रहा है कि दिस वन शुड बी विद हिम आल्सो. राइट? सो वी जस्ट नीड टू सी व्हाट इज ही थिंकिंग. द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Now you see what happens. Basically what he sees, jaise hi wo dekhta hai balloons ko, so uske dimag mein ek tarang si daudne lagti hai, rainbow glory of their silken colors, jo rainbow ka jo color hota hai, is tarah se wo usko dekhta hai और महसूस करता है उसके सिल्कन कलर्स को. He was filled with an overwhelming desire. Overwhelming desire means बच्चों, बिल्कुल जबरदस्त इच्छा जो है उसके दिमाग के अंदर जागती है. Overwhelming desire to possess them all. कि भाई ये सारे जो है ना उसके पास होने चाहिए. Possess means उसके पास होने चाहिए ये सारे के सारे. But he well knew his parents. लेकिन उसे अपने पेरेंट्स के बारे में पता था. क्या पता था उसे उसके पेरेंट्स के बारे में? Would never buy them the balloons. उसको जो है ये balloons वो खरीद करके नहीं देंगे. balloons जो है उसके लिए परचेज नहीं करेंगे, because they would say he was too old to play with such toys. और उसके पेरेंट्स जो है उसको क्या बोलेंगे इस बात के ऊपर कि भाई वो काफी ओल्ड मीन्स यहाँ पर है बच्चों कि वो काफी बड़ा हो गया है. काफी बड़ा हो गया है किसको लेकर के? बलून्स को लेकर के. कि वो इतना बड़ा हो गया है कि वो बलून्स के साथ अब नहीं खेलेगा. विद सच टॉयज, इस तरह के जो टॉयज हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं, उनसे बड़ा हो चुका है, यानी कि बलून्स जो है उसके खेलने लायक नहीं है. इस तरह के टॉयज नहीं है कि जिससे वो खेले. सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर. और जैसे ही वो ये बात सोचता है कि उसके पेरेंट्स जो है उसे ऐसा ऐसा बोलेंगे परचेजिंग को लेकर के, तो वो क्या करता है? आगे बढ़ जाता है और आगे चला जाता है. अ स्नेक चार्मर stood, snake charmer. अब देखो वो बच्चा जो है ना पहले कहाँ पर गया था? पोल, जहाँ पर जो है बलून्स थे काफी. अब नेक्स्ट निकलता है, आगे बढ़ता है, नेक्स्ट आगे जाता है. सो व्हाट ही फाउंड देयर, अ
स्नेक चार्मर स्टूड देयर, स्नेक चार्मर मींस सपेरा जिसको हम लोग बोलते हैं, खड़ा हुआ था वहां पर प्लेइंग अ फ्लूट, और अपनी जो है फ्लूट, जो उसके पास फ्लूट होती है, जो बीन होती है, बांसुरी जो बीन बजाता है, टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, और जो स्नेक है, कॉइल्ड मींस होता है कुंडली मार के बैठ जाना, कॉइल्ड मींस कुंडली मार के बैठा हुआ था बास्केट एक टोकरी के अंदर, इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंट, और उसका जो हेड था ग्रेसफुल बड़े भव्य तरीके से जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ था और निकला हुआ था बेंट बिल्कुल एकदम से, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, स्वान मींस चिल्ड्रन अ लार्ज बर्ड जिसकी जो नेक होती है काफी लंबी होती है, स्वान की तरह जो है ना उसकी गर्दन बिल्कुल एकदम स्वान की तरह लग रही थी, व्हाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, और जो उसके ईयर्स थे, अब यू मस्ट हैव सीन द स्नेक्स, उसके कान जो ऐसे दिखते नहीं है जैसे हमारे दिखते हैं और सम अदर बर्ड्स और एनिमल्स के, सो उसके कान ऐसे नहीं रह जाते, तो इनविजिबल टाइप उसने बोला है कि वो म्यूजिक जो है उसके कानों में जा रहा था, जो कान जो है उसके हमारे लिए इनविजिबल टाइप थे, लाइक द जेंटल रिपलिंग, रिपलिंग मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन, अ साउंड दैट ग्रेजुअली बिकम्स लाउडर एंड थिंग क्वाइट अगेन, धीरे धीरे जो है साउंड बढ़ता रहता है, अपग्रेड करता रहता है, आगे जाता रहता है, राइट, रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, और ऐसा लग रहा है कि जो साउंड इस तरह से बढ़ता जा रहा है जैसे वाटरफॉल का जो साउंड है धीरे धीरे करते हुए बढ़ता चला जाता है, द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, और जो ये छोटा बच्चा था अपने पेरेंट्स के साथ जो वहां पर आया हुआ था, अब जो है वो स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ता है, उसकी तरफ जाता है, उसके पास जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन उसको जो है अपने पेरेंट्स के बारे में पता है, had forbidden him to hear, forbidden means children के मना करना, कि उसके पेरेंट्स ने उसको जो है मना किया हुआ है, had forbidden him to hear such coarse music, coarse music means ऐसा भद्दा म्यूजिक जो था, तो भाई ऐसे भद्दे म्यूजिक तो जो है वो ना सुने, as the snake charmer played, जो म्यूजिक स्नेक चार्मर प्ले करता है, प्ले चलाता है, बजाता है, तो गेट द स्नेक डांस, कि वो डांस करे और उनको दिखाए, तो ये बड़ा भद्दा कोर्स मींस होता है भद्दा, वो कहता है भद्दा म्यूजिक होता है, कि ऐसा भद्दा म्यूजिक हमें नहीं सुनना चाहिए, पेरेंट्स ने उसको मना किया हुआ था इस तरह के म्यूजिक को सुनने से, ही प्रोसीडेड फर्दर, और जैसे ही उसको ये बात ध्यान में आती है कि भाई उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसे ऐसे बोला हुआ है, तो वो क्या करता है, वो ये बात सोच करके आगे बढ़ जाता है और आगे चला जाता है, राइट एवरीवन, आगे निकल जाता है, प्रोसीडिंग फर्दर, नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अब आगे क्या होता है, देयर वाज अ राउंड अबाउट, वहां पर जो एक राउंड अबाउट मींस सर्कल जो झूला होता है था, इन फुल स्विंग, बिल्कुल पूरी तार पर था, पूरा घूम रहा था, मेन विमेन एंड चिल्ड्रन, मेन थे, विमेन थी, आदमी थे वहां पर, औरतें थी और बच्चे थे, कैरिड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, कैरिड अवे मींस वो जो है उस राउंड अबाउट के ऊपर बैठे हुए थे और व्हर्लिंग मोशन में थे, घूम रहे थे पूरे के पूरे सर्कल में, था श्रग्ड, श्रग्ड एंड क्राइड विद हिज लाफ्टर, श्रग्ड मींस होता है चिल्ड्रन टू गिव अ लाउड हाई शाउट, जोर से चिल्लाना यानी के, और डिजी लाफ्टर, कुछ बड़े जोर से हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, मींस राउंड अबाउट में जो बच्चे सर्कल में बैठ करके घूम रहे थे, जो औरतें थी, जो आदमी थे, वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, डिजी लाफ्टर, खुश थे, द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, और उस बच्चे ने जो है उन्हें बड़ा ध्यान से देखा, इंटेंटली उनको देखा, एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसने जो है बोल्ड रिक्वेस्ट मींस बड़ा साहसिक कार्य किया, कार्य साहसिक कार्य मींस बड़े कठोर हृदय से उसने जो है रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स से कि भाई आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं जो है राउंड अबाउट पे जाना चाहता हूँ, राउंड अबाउट पे सर्कल लेना चाहता हूँ, झूला झूलना चाहता हूँ, राइट, दिस वॉज सेड बाय द चाइल्ड, रिक्वेस्ट की उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स से क्या रिक्वेस्ट करता है कि उसे राउंड अबाउट पे जाना है, प्लीज फादर, प्लीज फादर, के मुझे जो राउंड अबाउट पे
जाने दो मुझे वहां पर जो है झूलने दो, राउंड अबाउट पे सर्कल लगाने दो। दिस वाज सेड बाय द चाइल्ड, और ये जो है उस छोटे बच्चे ने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की। नाउ यू कैन सी, आप जैसे कि देख सकते हो अभी तक जो है उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं की। पहले जो है उसने देखता है स्वीट मीट्स, लेट्स गो इन द फ्लैशबैक, कि वो जब स्वीट मीट के पास गया जो उस मिठाई वाली दुकान थी वहां पर जाकर के वो क्या देखता है, मिठाइयां देखता है, बर्फी उसकी फेवरेट होती है। और वो जब ये सोचता है तो जैसे ही वो पेरेंट्स को बोलने वाला होता है वो रुक जाता है, उसको कुछ याद आता है कि भी उसके पेरेंट्स जो है उसको ये चीजें नहीं देंगे, लालची बोल के उसको मना कर देंगे। फिर फ्लावर सेलर फॉक्स के फॉकर के पास जाता है और फिर वहां पर क्या कहता है कि ये तो बिल्कुल चीप है, राइट, अच्छे नहीं है, ऐसा बोलेंगे पेरेंट्स और उसको ये चीजें खरीद कर नहीं देंगे। देन द बलून्स, फिर बलून वाले के पास गया। सो अल्टीमेटली व्हाट वी फाइंड चिल्ड्रन, कि बच्चे ने अभी तक जो है एक बार भी जो है रिक्वेस्ट नहीं की अपने पेरेंट्स से, एक बार भी नहीं बोला कि वो जो है उसे कोई चीज ला करके दे, जैसे कि अभी तक उसने कितनी चीजें देखी, राइट एवरीवन। लेकिन अब जब वो राउंड अबाउट के पास आता है तो इतना फैसिनेट हो जाता है, मोहित हो जाता है राउंड अबाउट को देखकर, उस सर्कल को देखकर, उस झूले को देख करके, कि वे किस तरह से आदमी, औरतें और बच्चे बैठे हुए हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ को मजे कर रहे हैं। सो वो भी जो है उसमें बैठ करके इंजॉय कर रहे हैं राउंड अबाउट। प्लीज फादर मदर अपने पेरेंट्स से जो है वो काफी रिस्पेक्ट करता है और उनको जो है वो बार बार बोलता है कि भाई वो जो है उसको उसमें बैठा दे ताकि वो वहां पर झूल सके, राउंड अबाउट में जा सके, राइट एवरीवन। दिस इज डन, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। यस, अब देखो क्या होता है, देयर वॉज नो रिप्लाई, पेरेंट्स की तरफ से अब उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। जब फर्स्ट टाइम उसने बोल्ड माइंड, बिल्कुल साहसिक दृढ़ निश्चय के साथ जो है अपने पेरेंट्स को बोला था कि भी उसे राउंड अबाउट पे सर्कल लगाना है, there was no reply, he turned to look at his parents, और वो जब घूमता है अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है देखने के लिए, they were not there, उसके पेरेंट्स जो थे वो वहां पर नहीं थे, ahead of him, तो उसके आगे थे ना पीछे थे बिल्कुल। he turned to look on either side, either side means वो दोनों तरफ जो है अपनी गर्दन को घुमा करके, दोनों तरफ घुमा करके चेक करता है, देखता है। he turned to look on either side, दोनों तरफ चेक करता है, देखता है। they were not there, यानी कि उसके पेरेंट्स जो है वहां पर नहीं थे। he looked behind, वो पीछे भी देखता है, there was no sign of them, और वहां पर भी जो है उसके पेरेंट्स का कोई भी साइन नहीं मिला। there was not a sign of his parents, कि भाई उसके पेरेंट्स जो है कहां चले गए। he just asked the ones from his parents, he wants to take this, right? But he didn't get. उसको वो नहीं मिले वैसे, उसके पेरेंट्स नहीं मिले, नहीं दिखे इधर उधर। A full deep cry rose within his dry throat with a sudden jerk. Sudden jerk means children, झटका लगता है उसको एकदम से of his body. A full deep cry, बड़े गहराई से जो उसको रोना आता है। रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसका गला जो है सूख चुका होता है, ड्राई हो चुका होता है। एंड विद इन अ सडन जर्क, और अंदर से एकदम से उसको झटका लगता है ऑफ हिज बॉडी। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहां पर वो खड़ा हुआ था वहां से जो है वो दौड़ करके इधर उधर जाता है। क्राइंग इन रियल फियर, और सच में जो है रियल फियर, वास्तव में वो डरा हुआ था और रो रहा था जोर जोर से कि भाई उसके जो पेरेंट्स थे उसको नहीं मिल रहे थे, मदर फादर। अब वो ऐसे करके मम्मा पापा ऐसे करके रो रहा था। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फियर्स, गर्म थे बिल्कुल, वो रेड हो चुका था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था और रो रहा था। हिज फ्लश्ड फेस वॉज convulsed, convulsed means to cause with fear, जिससे कि जो है ये एक डर का कारण बन जाता है उसके लिए, convulsed means का कारण बन गया, जैसे ही उसको उसके parents नहीं दिखाई दिए, mother father,
पैनिक स्ट्रिकन और वो जो है बड़ा पैनिक हो जाता है, दहशत में आ जाता है एकदम से कि भाई उसके पेरेंट्स कहाँ गए, उसकी मम्मा कहाँ गई, उसके पापा कहाँ गए, बड़ा दहशत में आ जाता है, पैनिक स्ट्रिकन। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, एक बार तो वो पहली साइड, दूसरी जो फर्स्ट साइड थी उसकी तरफ जाता है, दौड़ता है कि भाई कहीं उस साइड ना चले गए हों मेरे पेरेंट्स। देन टू द अदर, और फिर दूसरी तरफ जाता है, हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में वो घूमता है, नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे ये नहीं पता है कि उसे कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वेल्ड मीन्स होता है बच्चों रोना, वो रोता है कराता है और बड़ा विलाप करता है, रो रहा होता है बेसिकली कि भाई कहाँ जो है वो ढूंढे अपने पेरेंट्स को, वेल करता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसकी जो टर्बन उसने पहनी हुई थी येलो, वो जो है खुल जाती है, जो उसने टर्बन पहनी हुई थी छोटी सी, और उसके क्लोथ्स जो थे मडी मीन्स कीचड़ में धंस जाते हैं, और कीचड़ लगाएं या फिर हम मड लगाएं जो धूल होती है उसमें लगाएं, वो उसके क्लोथ्स जो है खराब हो चुके थे बच्चे के, क्योंकि वो इधर उधर दौड़ रहा था अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। हैविंग रन टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो है वो अपने पेरेंट्स को इधर उधर ढूंढ रहा था, इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए वो जो बड़ा गुस्से में आता है, दौड़ रहा था, परेशान हो जाता है, ही स्टूड डिफीटेड, और हार करके, डिफीटेड मीन्स खड़ा हो जाता है जब उसको उसके पेरेंट्स नहीं दिखाई देते। ही क्राइज, वो रोता है, सरप्रेस्ड इनटू सोब्स, और सुबकने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, वो क्या देखता है, थ्रू हिज फिल्मी आईज, उसकी आंखों से, जैसे हम अपनी आंखों में ड्रीम्स लेते हैं ना, फिल्मी आईज मीन्स यहाँ पे ड्रीम्स की तरह, मैन एंड वीमेन टॉकिंग, आदमी और औरत खड़े हुए थे, he tried to look intently among, और उनके बीच में वो जाकर के ढूंढने की कोशिश करता है, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, और उनके क्लॉथ्स ब्राइट, उन्होंने बिल्कुल चमकीले येलो क्लॉथ्स डाले हुए हैं, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, उन लोगों के बीच में उसको जो है उसकी मदर नहीं दिखाई दी, उसके पेरेंट्स नहीं दिखाई दे, उसको जो है नहीं दिखाई दिए उसके पेरेंट्स उनके बीच में। हु सीम्स टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और वो उनको देखता है कि वो हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सिर्फ हंसने के लिए और बातें करने के लिए, जिस तरह के वो फेयर में आए हुए थे इंजॉय करने के, राइट। अब तक हमने क्या देखा कि वो बच्चा बड़ा डर जाता है, सहम जाता है कि भाई क्या होने वाला है उसके साथ। ही रैन क्विकली अगेन, और दोबारा से फिर वो दौड़ता है, this time to a shrine to which people seemed to be crowding, और shrine पर जाता है वो, वहां पर क्या देखता है कि लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। shrine means जैसे कि गुम्बद जिसको हम बोलते हैं, जहां पर पीर और फकीरों की shrines बनी होती हैं, वहां पर वो देखता है कि भीड़ है। every little inch of space here was congested, छोटा सा भी स्पेस नहीं था, इतना congested, congested means like there is no space, crowded area with men, काफी आदमी वहां पर है। but he ran through people's legs, लोग जो वहां पर खड़े हुए थे उनकी टांगों के बीच में से निकल करके वो जाता है। his little sob lingering means वो जोर जोर से sob means सुबक रहा है, रो रहा है, mother father चिल्ला रहा है। near the entrance to the temple, जहां पर temple, जिस temple में वो जाता था shrine के लिए जा रहा था, उसके एंट्रेंस के पास, however the crowd became very thick, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है। मैन जोसल्ड ईच अदर, एक दूसरे को जो है, जोसल मींस होता है बच्चों पुश करना, धक्का मारना, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं ईच अदर। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज, आंखें बिल्कुल लाल हुई पड़ी हैं उनकी और बड़े हैवी हो चुके हैं वो, राइट। सो बिल्कुल उनकी आंखें इतनी हैवी हो चुकी हैं कि मर्डर करने वाले हैं वो, ऐसा लग रहा है। हैफ्टी शोल्डर्स, बड़े भारी भारी शोल्डर्स हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। द पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा स्ट्रगल, बड़ी कोशिश करता है टू थर्स्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, उनके पांवों के बीच से निकल कर जाने की कोशिश करता है, बट नॉक्ड टू, और वो उनको जो है नॉक मीन्स ठोकर मारते रहते हैं, कभी आगे कभी पीछे, और वो आगे निकलता रहता है,
by their brutal movements. Brutal means violent and cruel. जो उनकी violent और cruel movement थी उनके बीच से वो बच्चा निकल करके जाने की कोशिश करता है. He might have been trampled. Trampled means के बच्चों आदमियों के पाँव के नीचे भी आ सकता था. To step heavily. Unfooted means वो कहते हैं trampled unfooted means के वो उनके पाँव के नीचे भी आ सकता था. Right? Might have been trampled unfooted. Unfoot. Underfoot basically के उनके पाँव के नीचे भी वो बच्चा आ सकता था. Had he not shrugged, अगर वो जोर से नहीं चिल्लाता, shrugged means होता है चिल्लाना बड़ा जोर से, अगर वो जोर से नहीं चिल्लाता at the highest pitch of his voice, जोर से, father, mother, a man in the surging crowd heard his cry, और एक आदमी ने उस भीड़ से उस बच्चे की आवाज को सुना, and stooping, stooping means होता है to stand or walk with your head and shoulders, कि वो बच्चा कभी सर मारता है आगे की तरफ, कभी कंधे मारता है. Stooping means इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है with great difficulty. बड़ी उसको दिक्कत आ रही है. Lifted him up in his arms. और वो आदमी जो है उस बच्चे को अपनी बाजों में अपने हाथों में ऊपर उठा लेता है और फिर आगे बढ़ता है. How did you get here, child? वो आदमी उस बच्चे को कहता है बेटा आप यहाँ पर कैसे आए? उस बीबी आ रही हूँ, आप किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear. Steered clear of the mess. Steer cleared means उस भीड़ से निकल करके वो जब थोड़ा आगे आता है, आगे निकलता है उस भीड़ से. Mess means होता है भीड़ से आगे निकल के आया. The child wept more bitterly. बड़े जोर जोर से रोने लगता है वो बच्चा. Than ever. अभी तक वो इतना नहीं रोया था जितना अब रो रहा था. Now and only cried. और जोर जोर से रोने लगा. I want my mother. I want my father. कि भाई मुझे अपनी मदर चाहिए, अपने फादर चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. अब वो आदमी जो है ना उस बच्चे को रिलैक्स कराने के लिए, आराम कराने के लिए, उसको खुश करने के लिए roundabout उस झूले के पास लेकर के जाता है और कहता है, Will you have a ride on the horse? क्या तुम इस घोड़ों पर बैठ करके राइड करोगे? He gently asked as he approached the ring. और जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचता है उसे gently पूछता है. The child's throat tore into a thousand shrieks. वो अंदर से टूटा हुआ था बच्चा, जोर जोर से रो रहा था और बड़ा मतलब महसूस कर रहा था कि भाई उसके साथ अब क्या होगा. He was broken. अंदर से टूट चुका था. Thousand shrill raw sobs. सुबक रहा था जोर जोर से. And he only shouted. और जोर से क्या चिल्लाता है? I want my father. I want my father. मुझे अपनी मम्मा चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए. That's enough for this page, children. Let's go to next page. अब वो आदमी देखो राउंड अबाउट के पास लेकर के गया और उसको कहता है कि बेटा चलो आप घूम लो, राइड ले लो, लेकिन वो नहीं लेता है. नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं. द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस. अब जो आदमी जो है ना उसको आगे लेकर के जाता है. वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा. स्वेइंग कोबरा जो कोबरा वहां पर था, हिल रहा था, सॉरी, उसके पास लेकर के जाता है. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक. इस अच्छे से म्यूजिक को सुन के देखो. बच्चे को कहता है वो आदमी, वो काइंड हार्टेड मैन, लिसन टू दिस नाइस म्यूजिक. ही प्लीडेड, वो रिक्वेस्ट करता है उसे. बट द चाइल्ड शट हिज इयर्स. वो बच्चा अपनी आंखें बंद कर लेता है विद हिज फिंगर्स, अपनी हाथों से, अपनी उंगलियों से. एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन. जोर से पिच्ड स्ट्रेन मींस होता है प्रेशर के साथ, बड़े जोर से प्रेशर के साथ वो रोता है, चिल्लाता है. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, के मुझे अपने मदर फादर चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract child attention and frighten him. और वो आदमी ये सोचता है कि जब ये बच्चे को balloons के पास लेकर के जाएगा और balloons के colors को वो देख करके उसका mind जो है पूरा divert हो जाएगा और वो जो है थोड़ा शांत हो जाएगा. Quieten means शांत हो जाना, relax हो जाएगा. Would you like a rainbow colored balloon? और वो कहता है क्या तुम rainbow color के balloons को चेंज करना चाहोगे, लेना चाहोगे? ही परसुएसिवली आस्क. परसुएसिवली मींस उसको जो है वो समझाने की कोशिश करता है. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज. और बच्चा जो अपनी आंखें घुमाता है फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, उनके बलून्स की तरफ से अपनी आंखें घुमा लेता है. एंड जस्ट सो सुबकने लगता है जोर जोर से, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. यानी कि वो इंसान, काइंड हार्टेड आदमी जो है उसको कहां पर लेकर के जा रहा है, दैट वी नीड टू सी बेसिकली. कहाँ पर लेकर के जा रहा है उसको? हर जगह जो जहाँ जहाँ वो गया था, जो जो चीजें वो परचेज करना चाहता था, वो उसको जो है सारी चीजें देना चाहते हैं. लेकिन अब उसे वो सारी चीजें नहीं चाहिए बच्चों, उसे जो है अपने मदर और अपने
फादर चाहिए, ही वांट्स हिज मदर, ही वांट्स हिज फादर ओनली. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, और वो उस बच्चे को जो है खुश करने की कोशिश करता है वो आदमी. बोर हिम टू द गेट, गेट के पास लेके आता है, वेयर द फ्लावर सेलर सैट, जहां पर वो फ्लावर सेलर बैठा हुआ था जिसके पास गार्लैंड थी. लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स, चाइल्ड के बेटा आप वो नाइस स्मेल फ्लावर्स की स्मेल कर सकते हो, देख सकते हो. वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या आप गार्लैंड को लेना चाहोगे, क्या उस गार्लैंड माला को जो है गले में डालना चाहोगे. वो आदमी जो है उस बच्चे को कहता है, बोलता है. द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, और बच्चा अपनी नाक को जो है ना अवे कर लेता है, दूर कर लेता है फ्रॉम द बास्केट, उस बास्केट से जिस टोकरी में जो है वो वहां पर क्या रखे हुए थे, वहां पर फूल रखे हुए थे, फ्लावर रखी हुई थी, गार्लैंड रखी हुई थी. एंड रिट्रीटेड मीन्स रिपीट करता है अगेन, बार बार बोलता है सुबकते हुए, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, सुबकते हुए कहता है. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ल्स, अब देखो भाई ये बातें बोल रहे हैं. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ल्स बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप. व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, उसके बारे में सोचते हुए कि बच्चे का माइंड जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा. डिसकंसोलेट मीन्स वो थोड़ा सा सांत्वना उसको महसूस होगी अपने बारे में, उसके लिए स्वीट्स लेके आता है उसी मिठाई से, मिठाई की दुकान थी वहां से, और उसको कहता है कि व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, क्या कौन सी मिठाई वहां से खरीदना चाहोगे, परचेज करना चाहोगे. उस मिठाई की दुकान पर लेके आता है. ही आस्क्ड, उसने पूछा. द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, वो बच्चा जो है अपने फेस को उस दुकान, फ्रॉम द स्वीट शॉप, उस दुकान मिठाई की दुकान से अपने फेस को घुमा लेता है. एंड ओनली सॉफ्ट, और सुबकने लगता है, रोने लगता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, राइट. तो बच्चों आज हमने क्या देखा, वी कंप्लीटेड द चैप्टर, के बच्चा जो है गुम हो जाता है मेले में, और जो काइंड हार्टेड, जो दयालु आदमी उसको मिलता है, उसको सारी चीजें देना चाहता है कि वो ले ले और चुप हो जाए और रिलैक्स हो जाए, फिर बाद में उसके मदर फादर को ढूंढे. लेकिन ऐसा नहीं होता है. जो चीजें वो लेना चाहता था, जब कोई उसको देता है तो वो नहीं ले रहा है, और जब वो पेरेंट्स के साथ था तो वो सारी चीजें लेना चाहता था लेकिन उसके पास नहीं थी. सो अल्टीमेटली हमें क्या सीखने को मिलता है बच्चों, वट वी फाइंड बेसिकली, कि अगर हम देखते हैं कि भाई बच्चा जो है वो लेता है चीजें सारी की सारी, तो क्या होता है क्या नहीं होता है. वट वी फाइंड कि पेरेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन थिंग्स, पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों से, जो चीजें अभी तक उसने परचेज की, परचेज करना चाहता था, जो वो आदमी उसको दिलाना चाहता था, वो सारी चीजें जो वो परचेज करना चाहता था वो जो है नहीं लेता है उस आदमी से. सो चिल्ड्रन वी हैव जस्ट फिनिश्ड द चैप्टर, नाउ यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स टुडे, यू विल वॉच दिस वीडियो, नेक्स्ट वी आर अबाउट टू फिनिश. आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू पीपल, यू विल रेज योर हैंड टू आस्क एनी क्वेश्चन. You will just raise your